हेलो फ्रेंड्स, द बर्निंग इश्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आसिफ नज़ीर। दोस्तों, आज डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 20th ऑफ नवंबर और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू। फ्रेंड्स, सॉरी, 2 दिन हम लोगों ने मिस किया है, तो 2 दिनों के पेपर जो हम डिस्कस नहीं कर पाए किसी वजह से, तो वो हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो आज कल में उनको भी कवर करेंगे और आज के लिए भी थोड़ा सा लेट हो गई, तो आज के लिए भी सॉरी। तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। तो देखिए, फ्रंट पेज पे न्यू एंड जम्मू कश्मीर सरेंडर पॉलिसी टू टारगेट लोकल मिलिटेंट्स। तो एक नई सरेंडर पॉलिसी बना रहे हैं ताकि जो मिलिटेंट्स हैं वहाँ पे, वो अपने आप को उनको मेन स्ट्रीम में लाने की एक कोशिश है, राइट? तो आपको पता होगा वहाँ पे इस वक्त काफ़ी मिलिटेंट्स इस वक्त मारे जा चुके हैं और काफ़ी एक्टिव हैं वहाँ के जो आर्मी पर्सनल हैं और पुलिस भी। तो वो चाहते हैं कि जो वहाँ के मिलिटेंट्स हैं वो मेन स्ट्रीम में आए और उनको एक तरीके से इंकरेज कर रहे हैं, ठीक है, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। देखिए, लिख रहे हैं कि फुल कोऑपरेशन टू रिटर्न एंड ज्वाइन द मेन स्ट्रीम। तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पूरा उनके साथ कोऑपरेशन किया जाएगा, ठीक है, उनको पूरी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, राइट? तो ये कह रहे हैं कि 130 लोकल मिलिटेंट्स आर स्टिल एक्टिव। 130 मिलिटेंट्स, इनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो अभी भी वहाँ पर एक्टिव हैं। और देखिए, एक स्पेशल केस है, माजिद खान है ये। इन्होंने लश्कर ए तैयबा को ज्वाइन किया था, लेकिन इनकी माँ जो है, इनकी अम्मी ने रिक्वेस्ट की, तो उसकी वजह से इन्होंने उसको छोड़ दिया और फिर ये मेन स्ट्रीम में आ गए, राइट? तो ये एक एग्जाम्पल, मतलब आप शो कर सकते हैं, मतलब ये एक जो अदर मिलिटेंट्स हैं उनके लिए भी एक एग्जाम्पल साबित हो सकता है, राइट? तो इससे बहुत सारे और मिलिटेंट्स आ सकते हैं, तो एक अच्छा कदम है। और ये कह रहे हैं कि आईएस का अगर इन्वॉल्वमेंट है, उसके बारे में भी ये क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आईएस का भी तो इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। तो थोड़ी बहुत ये न्यूज़ हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड थी। आइए देखते हैं आगे कौन सी न्यूज़ है। और इस पेज पे, और देखिए, पद्मावती से रिलेटेड अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है। इसके जो एक सेना है, तो इस पे करणी सेना जो है, इस पे काफ़ी इसका अपोज कर रही है, ठीक है। तो इसको अभी क्या किया गया, इसकी जो मूवी जो रिलीज़ होनी थी उसकी डेट को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया, राइट? तो अभी ये रिलीज़ होनी थी फर्स्ट ऑफ दिसंबर को शायद होनी थी, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, 18th ऑफ दिसंबर शायद कर दिया गया है, राइट? तो आपको पता होगा एक्चुअली इसमें थोड़ा सा पद्मावती का जो कैरेक्टर था उसको थोड़ा सा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी से उसके चूंकि रिलेशन थे, तो उसको लिखा गया है कि थोड़ा सा उन्होंने इन्वेंशन ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन चित्तौड़गढ़ क्वीन पद्मिनी एंड दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वाज नॉट एक्सेप्ट। तो उन्हें कहना कि ये सब चीज़ें जो दिखाई गई हैं ये हमको गवारा नहीं है, या हमें ये एक्सेप्ट नहीं है, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये हमारे लिए। और ये देखिए, IFFI का जो से रिलेटेड भी एक कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें आपको पता होगा एक न्यूड मूवी थी उसको, और एक और एक सनल कुमार सिदर्शन एस दुर्गा, तो इनको क्या कर दिया गया था उस मूवी में, इनकी स्क्रीनिंग के लिए मना कर दिया गया था, ठीक है, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो उस पर क्या कि सिक्स मोर लिख रहे हैं कि जूरी मेंबर्स ने स्मृति ईरानी को इस पर लेटर लिखा है, राइट? तो ये देखिए, यूपी के इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ है। लोकल इलेक्शन हो रहे हैं यूपी में, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर, देखिए वहाँ पे चूंकि थोड़ी सी मिल्क की प्रॉब्लम आती है, डिमांड और सप्लाई का थोड़ा सा मिसमैच है वहाँ पे, तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर मिल्क विलेज बनाने का प्लान कर रही है, राइट? तो ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है ये काम कर रहा है, और इन्होंने आइडेंटिफाई किए 50 बेनिफिशियरीज़ को, और सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे 100% सब्सिडी टू स्टेबलाइज डेयरी फार्म यूनिट्स ऑन मॉडर्न लाइन्स, राइट? तो ये इनका प्लान है इस इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये एक अच्छी देखिए न्यूज़ है, ये जो वो अपनी लॉ मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि हम जो ओल्ड केसेस हैं उनको मिशन मोड पे डिस्पोज करने का काम कर रहा है। उन्होंने लेटर लिखा है चीफ जस्टिस को और कहा है कि जो 10 साल से पुराने केसेस हैं उनको क्या किया जाए, मिशन मोड पे इनको उसकी पेंडिंग पेंडेंसी जो है उसको ख़त्म किया जाए, उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, राइट? तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। बहुत लंबे समय तक अगर चलते हैं केसेस तो उसमें फिर जस्टिस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और इसके अलावा भी कह रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं लॉयर सभी कि आप क्या करें, गिव प्री लिटिगेशन सर्विसेज और स्टार्ट प्रो बोंडो एडवोकेसी, राइट? तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से फ्री लीगल सर्विस, लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए, ठीक, इसमें जो क्या करते हैं लॉयर्स जो होते हैं वो फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना? तो यही कह रहे हैं कि इसको एडवोकेट करने की भी बात की जा रही है। और डिजिटलाइजेशन की से रिलेटेड भी उन्होंने कहा है कि सारे जो जुडिशरी उनको एक तरीके से डिजिटलाइज किया जाएगा।
ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और आगे की न्यूज़ में, हाँ देखिए पॉट होल्स जो हैं उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ है। इसमें क्या है कि ऐप एक बनाया गया है और इस ऐप से क्या कर सकते हैं आप, जहाँ भी आपको पॉट होल्स मिले उसकी इमेज PWD को भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा स्टेप है पॉट होल्स को ख़त्म करने का। ये देखिए 189th एनिवर्सरी मनाई जा रही है लक्ष्मी बाई की, तो आप इसको याद रख सकते हैं लक्ष्मी बाई की 189th एनिवर्सरी। और जो IFFI का प्रोग्राम हमने ऊपर डिस्कस किया उसमें देखिए 48th एडिशन इसका है, और इस बार जो पार्टिसिपेशन है मोर देन 30 वुमेन फिल्म मेकर्स कर रहे हैं, कि ये एक रिकॉर्ड है कि इस बार 30 से ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है। और इस फिल्म में 150 से ज़्यादा फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है और ये 82 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं, ठीक है। 82 कंट्रीज़ की फिल्में इसमें शामिल हैं, तो थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रिविलेज कमेटी समन्स एक्टिविटीज़, देखिए कमेटी ऑफ गोवा और प्रिविलेज ने इन्होंने क्या किया है, एक नोटिस जारी किया है और RTI एक्टिविस्ट के खिलाफ, ठीक है। तो देखिए प्रिविलेज कमेटी वो होती है जैसे अगर आप संसद के बारे में या आप लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन रेज करते हैं तो उस पर क्या कर सकते हैं ये लोग, प्रिविलेज कमेटी ये आपको नोटिस दे सकती है, ठीक है ना। तो लेजिस्लेटिव क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड उसकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड अगर आप भी कुछ भी करते हैं तो उस पर ये सब होता है, ठीक है, नोटिस प्रोवाइड की जाती है। तो हमने ये देखा, इसके अलावा स्किपिंग दिस पेज, और ये देखिए लिंगायत जो है हमने डिस्कस किया था, लिंगायत एक अलग रिलीजन की मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने एक डेडलाइन दी है 30th of December को, महासभा वांट्स कर्नाटका टू रिकमेंड सेपरेट रिलीजन टैग बाई, तो 30 दिसंबर तक ये कह रहे हैं कि हमें एक सेपरेट रिलीजन का टैग प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो उसके खिलाफ ये कंपेन कर रहे हैं, कंपेन फॉर सेपरेट रिलीजन स्टेटस फॉर लिंगायत, राइट। तो इनकी एक डिमांड है, ये बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं। और अगली जो न्यूज़ है, हाँ डोंट ब्रिंग प्लास्टिक, तो देखिए ये इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए कह रहे हैं कि वहाँ पे प्लास्टिक आप ना लाएं, और ये रिलेटेड बात हो रही है सबरीमाला की, राइट। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, लिविंग क्लोथ्स इन पंपा रिवर अनहेल्दी प्रैक्टिस, तो कपड़ों वगैरह को भी कह रहे हैं कि छोड़ना वहाँ पे, ये अनहेल्दी है। तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी लोकेशन, यहाँ पे पंपा रिवर मेंशन की गई, राइट। तो देख लेते हैं हम पंपा रिवर, राइट। तो आइए देखते हैं पंपा रिवर है कहाँ पे, तो पंपा रिवर एक्चुअली दोस्तों ये कर्नाटक सॉरी केरला में है, और ये जो पेरियार जो टाइगर टाइगर रिजर्व है ना उसी के आसपास है, राइट। तो एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने की, ये देखिए ये पेरियार नेशनल टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये सबरीमाला है, राइट। और यहीं से ये नदी निकलती है पंपा रिवर, ये देखिए ये दिख रही है पंपा रिवर आपको, तो यही है वो, राइट। तो ये आपने देखा, और ये इसका डिस्ट्रिक्ट ही है महामूर्ति, ठीक है ना। तो हमने लोकेशन देख ली इसकी, और थोड़ा सा और क्लोज देखिए, ये पंपा रिवर, यही है वो रिवर, और ये है आपका और इधर आप, ये पेरियार नेशनल टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, पेरियार नेशनल पार्क है, राइट। तो बढ़ते हैं आगे, और इसमें हमारे लिए यहाँ पे तो कुछ है नहीं, अ क्लीन अप इन केरला एडॉप्ट स्वच्छ सर्वे, तो देखिए एक स्वच्छ सर्वे का प्रोग्राम 148 विलेजेस में वहाँ पे चलाया जा रहा है, और ऑल ग्राम पंचायत इन केरला आर विटनेसिंग अ फ्लरी, बहुत तेज़ी से ये सब काम चल रहा है, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये इनका प्रोग्राम देखिए, ओपन डेफिकेशन फ्री सैनिटेशन वर्क के सारे इसमें शामिल हैं, और ये 2015 में ही ये इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, ठीक है। और इन केरला 148 विलेजेस क्वालिफाई फॉर पार्टिसिपेशन इन दिस सर्वे, राइट। तो ये, और इसके अलावा ये जो न्यूज़ है ये देखिए, डिवोटीज रिलीव लैम्प्स इन द कृष्णा रिवर ऑन द ओकेजन ऑफ पॉली स्वर्गम, तो पॉली स्वर्गम एक फेस्टिवल होता है, और ये मैं एक मरतबा दिखाने की कोशिश करूँ पॉली स्वर्गम आपको, तो एक सेकेंड, तो हम ये एक देख लेते हैं कि पहले तो हम देख लेते हैं कि कृष्णा रिवर के बारे में थोड़ा सा, है ना, कृष्णा रिवर चूंकि इम्पोर्टेंट है तो कृष्णा रिवर मेंशन किया गया है।
कृष्णा रिवर देख लें, और इसके अलावा पॉली स्वर्गम भी देख लेंगे, ठीक है। तो पॉली स्वर्गम, तो पॉली स्वर्गम देखिए क्या होता है कि एक फेस्टिवल है इनका। और हाँ, ये देखिए पॉली स्वर्गम, ये लास्ट डे ऑफ कार्तिक जो इनका वो होता है, मंथ होता है, तो ये लास्ट डे ऑफ कार्तिक को ये सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो लास्ट डे ऑफ द कार्तिक मौसम हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर वुमेन अक्रॉस इंडिया एंड स्पेशली तेलंगाना एंड एपी, ठीक है। तो ये मेनली तेलंगाना और एपी का ही ये है, और पॉली स्वर्गम इसको कहते हैं। और इसके बारे में लिख रहे हैं कि ऑन दिस डे वुमेन सेलिब्रेट पॉली अ वॉशर वुमेन बाई लाइटिंग कॉटन विक्स, ठीक है, काउंट ऑफ 33। तो ये पॉली जो है एक वॉशरमैन को कहा जाता है, तो वो ये क्या करती है, कॉटन के कपड़े वगैरह ये जलाती उलाती है, ठीक है। और वन मोर रिचुअल ऑफ द फॉरवर्ड बाई द वुमेन इज दैट लाइटिंग 33 लैम्प्स, ठीक है, 33 लैंपों को ये जलाती हैं। और एंड लीव द वाटर इन दिस कॉल्ड पॉली स्वर्गम दीप एंड ऑल्सो इन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पॉली स्वर्गम आप इतना बस याद रखें कि ये लास्ट डे ऑफ कार्तिक मौसम के, और स्पेशल सिग्निफिकेंस ये वुमेन के लिए है। इसमें जो पॉली है वॉशरमैन, ये कुछ लाइटिंग कॉटन विक्स वगैरह ये क्या करती हैं, जलाती हैं, ठीक है ना। और तो ये कहाँ मनाया जा रहा था, एपी में। एपी में कहाँ, कृष्णा रिवर से रिलेटेड न्यूज़ थी। तो हम ये देख रहे थे कृष्णा रिवर, तो कृष्णा रिवर तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये फोर्थ बिगेस्ट रिवर है इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोज ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये पांच चौथी सबसे बड़ी, और गंगा गोदावरी और ब्रह्मपुत्रा के बाद, ठीक है ना। तो ये इसका ये हो गया। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका देखिए एरिया जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और एपी से होकर गुजरता है, राइट। तो ये चार स्टेट को कवर करती है। तो थोड़ी सी ट्रिब्यूटरी के बारे में देख लेते हैं, ट्रिब्यूटरी इसकी कौन सी, लेफ्ट इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है भीमा, दिंदी, मूसी, पलेरू, मनेरी, ठीक है। और इसके अलावा राइट बैंक जो है वो वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है। और इसके अलावा तुंग भद्रा, ये सारी इसकी, और इसकी लोकेशन यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करें तो ये देखिए ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, ठीक है ना। तो ये आप कृष्णा को देख सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। और बेंगलुरु लेक्स में देखिए ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से ये थ्रेट फेस कर रही हैं, और बहुत सारी वहाँ पे जो है लेक्स जो है वो एक तरीके से अब तो डिसअपियर हो गई है, और जो बची भी हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट होती जा रही है, ऐसा इन्होंने कहा। ये इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे कही है कि देर वॉज अ टाइम वेन बेंगलुरु वॉज रिफर्ड टू एज ए कल्याण नगर। कल्याण नगर का मतलब होता है द सिटी ऑफ द लेक्स एंड द सिटी ऑफ द थाउजेंड लेक्स, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि पहले इसको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये बहुत सारी इसमें डिटेरियोरेट हो गई है, इनकी सिचुएशन ख़राब, और बहुत सारे डिसअपियर भी हो गई है, ठीक है ना। अब आप लोगों को शहरों में लेक दिखने को ही नहीं मिलेगी, अर्बनाइजेशन की वजह से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, अगर आप किसी को फ़ोन पे अगर कोई अपशब्द कहते हैं उसकी कास्ट से रिलेटेड, तो अब आपको 5 साल की सज़ा हो जाएगी। और कास्ट मतलब सभी कास्ट नहीं, सिर्फ एस सी एस टी, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट यूजिंग कास्टिस्ट रिमार्क्स ओवर फोन इन पब्लिक प्लेसेस अगेंस्ट द एस सी एंड एस टीज अमाउंट्स टू क्रिमिनल ऑफेंस वारंटिंग द जेल ऑफ द मैक्सिमम 5 ईयर्स, ठीक है। तो हुआ यूँ था, देखिए यूपी का एक केस था, तो इन्होंने एक वोमेन और एक उनका कन्वर्सेशन था, तो उन्होंने फाइल किया था हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना केस को फाइल किया था, राइट। तो उन्होंने जो बंदा था उसने क्या किया, इसको डिसमिस करने की अपील की थी कि इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना हो, राइट, लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, और फिर उसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग ही होगी, और इसमें 5 साल की जेल भी आपको हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, थोड़ा सा कॉशियस होकर फ़ोन पे बातें करें, ठीक है। वैसे भी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में, ये कास्टिज्म वगैरह इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप मॉडर्न सोसाइटी अगर आपको लानी है, या फिर आपको ज़्यादा देखिए आप जब इम्प्रूव करते हैं ना, आप जब एक लेवल पे जाते हैं तो फिर ये चीज़ें मायने नहीं रख जाती, ठीक है। तो आप हम चूंकि डेवलपमेंट के दौर से गुजर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, जातवाद के चक्कर में उतना नहीं पड़ना चाहिए। आइए देख लेते हैं अगली न्यूज़। देखिए हज कोटा जो है इसको बढ़ा दिया गया है, ये ओवरऑल नहीं, सिर्फ जो प्राइवेट जो ऑपरेटर्स थे उनको जो कोटा था, जो रिजर्व कोटा था उनका, उनको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये पहले 26.47 था, इसको अब 30 कर दिया गया है, राइट। तो ये हुआ है, द गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड द हाई लेवल कमिटी रिकमेंडेड द इंक्रीजिंग ओवर 3% द कोटा
ऑफ प्राइवेट टूर ऑपरेटर सेंडिंग हज पिलग्रिम। ठीक है, इंडिया हैज एन एनुअल हज, देखिए 1.7 लाख जो है ये इंडिया से हर साल हज करने के लिए जाते हैं, मतलब ये कोटा है। आउट ऑफ दिस अकॉर्डिंग एलोकेशन 2017 1.25 लाख पिलग्रिमेज कुल ट्रैवल टू सऊदी अरबिया थ्रू द हज। ठीक है, तो देखिए 1,70,000 लोग जाते हैं और 1,25,000 जो हैं ये हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जाते हैं, और ये 45,000 जो लोग हैं वो कैसे जाते हैं, वो इन प्राइवेट ऑपरेटर्स के थ्रू जाते हैं। तो उसका जो प्राइवेट ऑपरेटर्स का ये कोटा, इसी को अब बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पहले 45,000 लोग जाते थे, अब 51,000 लोग इसमें जा सकेंगे, राइट। और एक देखिए एक ये जो न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट लेट्स किन टू ज्वाइंटली ज्वाइंट टर्मिनल इन यूक्रेनियन प्रिजनर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक यूक्रेनियन प्रिजनर है और ये पाया गया था कि इसने क्या किया था, इसकी इसको तमिलनाडु में देखिए पकड़ा गया था, राइट। तो इसके पास काफ़ी आर्म्स वगैरह मिले थे, हाँ, ह्यूज कैचे ऑफ प्रोहिबिटेड फायर आर्म्स एम्यूनेशन एंड फ्यूल। ठीक है, तो इसके इस पर आर्म्स एक्ट लगा के इसको ये सज़ा भुगत रहा है। तो ये चूंकि बहुत सारी बीमारी, एक तो टर्मिनली इल है, इसके अलावा कैंसर वगैरह भी है, तो इसको कुछ इसकी फैमिली मेम्बर्स को अलाउ किया गया है चूंकि इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। इन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें राइट टू ह्यूमन डिग्निटी में आती हैं अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो बस थोड़ा सा ये देखना था, राइट टू लाइफ, राइट टू मतलब अगर आपको राइट टू लाइफ है तो राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी भी है, ठीक है ना, मतलब आपको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार भी आपको फंडामेंटल राइट में ही आता है। और ये अगली न्यूज़, और ये देखिए सेंटेनरी मनाई गई है किसकी, इंदिरा गांधी की। उन्होंने कहा है कि पीएम प्रेसिडेंट के अलावा कोई भी मिनिस्टर वहां पे विजिट करने नहीं गया उनके मेमोरियल पे। मेमोरियल का नाम क्या, उनके शक्ति स्थल शायद है, राइट। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगली न्यूज़ हमारे लिए जो है, ये तो सारे इलेक्शंस के रिलेटेड न्यूज़ है। और ये देखिए, हाँ, 200 गवर्नमेंट जो वेबसाइट है उन्होंने क्या किया है, हमारे जो आधार होते हैं उनको डिटेल कर, उनकी डिटेल्स जो है वो पब्लिक में ला दी है, राइट। तो ये आरटीआई के थ्रू ये खुलासा हुआ है, और इन्होंने क्या कहा ये है कि हाउ एवर इट वॉज फाउंड दैट अप्रॉक्सीमेटली 210 वेबसाइट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर डिस्प्लेइंग द लिस्ट ऑफ द बेनिफिशियरीज अलॉन्ग विथ देयर नेम्स एड्रेस अदर डिटेल्स एंड आधार नंबर्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, तो इन्होंने सारे इन लोगों के नाम डिस्क्लोज कर दिए हैं वेबसाइट पे, ठीक है, उनके नाम एड्रेस और इवन अदर डिटेल्स, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्वियसली हुआ, ठीक है ना। तो उन्होंने देखिए आरटीआई के थ्रू, इन रिस्पॉन्स टू आरटीआई क्वेरी द आधार इश्यूइंग अथॉरिटी बॉडी सेड इट हैड नोट ऑफ द ब्रीच, ठीक है ना, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया इस ब्रीच को, एंड गॉट द डाटा रिमूव फ्रॉम दोज वेबसाइट, राइट। और हाउ एवर डिड नॉट स्पेसिफाई वेन द ब्रीच टुक प्लेस, इन्होंने कह दिया कि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कब ये ब्रीचिंग हुई है। तो आधार से देखिए जो कंसर्न था वही चीज़ फिर सामने आप लोगों को, यही था ना कि हमारी प्राइवेसी का हनन हो सकता है, और वही चीज़ आप लोगों को देखने को मिली। और ये देखिए मुगाबे को फाइनली रिज़ाइन करना ही पड़ा, और वहाँ पे जो कू हुआ था। और ये हैरिरी जो है, ये लेबनान के, इनको क्या कह रहे हैं कि ये वहाँ पे नवंबर 22 को इसका इंडिपेंडेंस मनाया जाना है, तो वहाँ कह रहे हैं कि वो वापस आ सकते हैं, अभी वो सऊदी अरबिया में है, और वहीं से उन्होंने रिज़ाइन का अनाउंसमेंट भी किया था। रियो डी जेनेरियो देखिए बहुत ही इसकी सिचुएशन ख़राब है, लॉलेनेस की स्थिति है वहाँ पर, 11% किलिंग की जो केसेस है उसमें आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक बहुत ही फेमस शहर है, अगर आपको पता हो तो। अगली न्यूज़ देखिए, चाइना ऑफर्स मीडिया मीडिएट डायलॉग बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो रोहिंग्यास इशू को सॉल्व करने के लिए चाइना ने मीडिएशन के लिए आगे आने की बात की है, राइट। और ये देखिए, मैसिव सर्च लॉन्च आफ्टर अर्जेंटीना सबमरीन गोज मिसिंग। तो एक अर्जेंटीना में सबमरीन जो मिसिंग हो गया है, तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। और देखिए, गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्शन है उसको कह रहे हैं कि नेट जीरो इंपोर्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स बाय 2020। तो गवर्नमेंट का एक प्लान, एक एम्बिशन है कि 2020 तक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो एम्बिशन हो वो जीरो करने का प्लान है। और न्यू पॉलिसी कह रहे हैं कि आल्सो फोकस करेगी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा एक्सपोर्ट हब बनाने की भी
कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो मेक इन इंडिया फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है इंडिया का, उसको बूस्ट करने का मतलब इस पे भी ये शामिल है, ठीक है। मेक इन इंडिया कैसे होगा आखिर, अपना मैन्युफैक्चरिंग आप बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाएंगे तभी तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी। और इसके अलावा विलफुल डिफॉल्टर मस्ट नॉट बाई IBC एसेट, तो इंश्योर करना है, कह रहे हैं कि टू इंश्योर द प्रोसेस ऑफ द बैंकरप्सी प्रोसेस अंडर द IBC। IBC क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ आस्क्ड बैंक्स टू विजिलेंट टू इंश्योर दैट विलफुल डिफॉल्टर्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बाइंग स्ट्रेस्ड एसेट अगेन, ठीक है ना। तो जो विलफुल डिफॉल्टर है उनको कह रहे हैं कि आप ख्याल कीजिए कि वो फिर से ये एसेट को फिर से गेन ना कर पाए, फिर से वो लोन ना ले पाए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप देखिएगा। इंडिया अप वन नॉच इन पर कैपिटा GDP, पर कैपिटा GDP हमने एक अपनी जो सिचुएशन थी उसको क्या किया है, एक पोजीशन और गेन किया। इंडिया हैड मूव वन अप वन पोजीशन, ठीक है ना। तो 126 हो गई है अब पोजीशन इसकी इन टर्म्स ऑफ GDP पर कैपिटा, राइट। हालांकि ये कह रहे हैं कि अभी भी जो रैंक है वो ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे कम है, और कतर जो है इसमें टॉप पे है, राइट। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये क्वेश्चन UPSC में पूछा जा चुका है शायद, और ये IMF के द्वारा तैयार की जाती है रिपोर्ट, ठीक है ना। तो ज़रूर इसको याद रखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF के द्वारा, और 200 से ज़्यादा कंट्रीज इसमें इस रिपोर्ट में मेंशन की जाती है, ठीक है ना। 200 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा GDP बेस्ड ऑन द परचेसिंग पावर पर, ठीक है ना। तो PPP जो है परचेसिंग पावर पैपिटी, उसके आधार पर ये बनाई जाती है। और PPP होता क्या है, कह रहे हैं कि PPP इज अ रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री नीड्स टू बी कन्वर्टेड इन टू दैट ऑफ द सेकंड कंट्री, ठीक है। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो लेन देन करती है, जो कन्वर्जन होता है उसी को मतलब जिस रेट से होता है उसी को PPP कहते हैं, ठीक है। और तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, राइट। और अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए न्यूज़ है, हालांकि न्यूज़ है इम्पोर्टेंट, लेकिन इसमें बहुत सारे डेटा है, ठीक है। तो आप इस न्यूज़ को ज़रूर पढ़िएगा। इसमें ये दिया गया है कि जो ये दो अपने डिमोनेटाइजेशन हुआ और GST हुआ, तो उसके बाद सिचुएशन क्या है सारे, जैसे कंजम्पशन देख, इसमें देखिए कंजम्पशन गुड है उसमें क्या हुआ, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रिटेल का देखिए, पेंट का, कंज्यूमर अपेरल, इन सब में क्या मतलब डिमांड बढ़ी घटी कितने, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड सारी न्यूज़ ग्राफ के थ्रू ये शो करने की कोशिश की गई, राइट। हॉस्पिटलिटी में देखिए क्या हुआ, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें, इंजीनियरिंग गुड, बेसिक इंडस्ट्रियल इनपुट, तो इन सब से रिलेटेड इनका, इन सब चीज़ों पर क्या असर पड़ा इनके बिजनेस पे, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन की गई हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे आपको आइडिया लगेगा। और बाकी स्किपिंग दिस पेज, एक बस और न्यूज़ है लास्ट में नीचे, और उसको डिस्कस करके फिर आज की न्यूज़ एनालिसिस को कंक्लूड करते हैं। ये न्यूज़ है देखिए, हाउ सकुलेंट सर्वाइव विदाउट वाटर डिकोडेंट। आपको पता होना चाहिए जो भी पौधे, कुछ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही जो डिजर्ट के एरिया में होते हैं, तो वो जो उनकी लीफ होती है, लीफ को ही वो कन्वर्ट कर लेते हैं किसके, थॉर्नी फॉर्म में, राइट। तो ये देखिए कुछ पौधे हैं, जैसे एक पौधा आप लोगों को पता होगा, कैक्टस, कैक्टस पता है आप लोगों को, है ना। तो कैक्टस क्या करता है, इसमें ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट ये है, ठीक है। ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट का मतलब क्या हुआ, मतलब ये सूखे में, मतलब इसे पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो ये इन्होंने रिसर्च में यही कोशिश जानने की कोशिश की है कि आखिर ये होता कैसे है। तो इन्होंने देखिए, इन्होंने पता लगाया, द प्लांट सेंट कुड बी यूज टू हेल्प प्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स दैट कैन थ्राइव प्रीवियसली इन ऑपरेबल हॉट एंड ड्राई रीजन अक्रॉस। तो ये कह रहे हैं कि इस, अगर इस रिसर्च से ये पता लगेगा कि इनकी जो प्रोसेस है उनको, मतलब वैसी जो क्रॉप है जो इस रीजन में उगाई जा सकती है, उसको एक तरीके से हॉट एंड ड्राई रीजन में उसमें मदद मिल सकती है। तो फोटोसिंथेसिस देखिए इन्वॉल्व होती है इसमें। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग लेती है एटमोसफेयर से, और उसको कन्वर्ट किस में करती है, शुगर्स में, ठीक है ना, यूजिंग लाइट। तो इन्होंने यही कहना है इनका यहाँ पे कि ये जो प्लांट रहते हैं ये क्या करते हैं कि अपनी जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको इनहेंस कर देते हैं, यूज़ ऑफ एन इनहेंस फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मिनिमाइज वाटर लॉस, ठीक है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं ताकि क्या होता है, वाटर लॉस उससे कम होता है, तो इनको फाइनली कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की न्यूज़ में इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।